नमस्कार, अगर आप आधार से पैसे निकासी का काम करते हैं, AEPS चलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NPCI ने नया बदलाव किया है कि 30 मिनट में केवल एक ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। क्या है पूरा इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। 30 मिनट में केवल एक ट्रांजेक्शन एक ग्राहक का हो पाएगा। तो क्या नियम है, मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बता दूँ कि NPCI के नए नियम के अनुसार 30 मिनट में केवल एक ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, ये नया नियम है। NPCI क्या होता है, NPCI के बारे में भी जानना जरूरी है। NPCI होता है, NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, जो कि पूरा AEPS UPI सिस्टम को देखता है सारा। NPCI द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली है AEPS सिस्टम, यानी कि AEPS सिस्टम NPCI देखता है। तो NPCI ने जो नया बदलाव किया है वो क्या है, 30 मिनट में केवल एक ग्राहक का आप एक ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि आप दो ट्रांजेक्शन तीन ट्रांजेक्शन भी कर पाते थे, लेकिन ये नियम के अनुसार 30 मिनट में केवल एक ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल्ड भी हो गया तो दूसरी बार ट्राई करने के लिए आपको 30 मिनट का समय लगेगा। फेल्ड होने का, इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन फेल्ड होने की बात कहा गया है, जैसे कई बार आप जानते हैं कि कस्टमर के अकाउंट से पैसे डेबिट हो जाते हैं लेकिन वो ट्रांजेक्शन फेल्ड रहता है, तो अगर वैसा कुछ हो जाता है तो दोबारा आप ट्राई नहीं कर सकते। इससे NPCI के नए नियम क्यों लगाया गया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम में धोखाधड़ी जो अभी कुछ आधार से भी हो रहा है, तो आधार विड्रॉल में होने वाले धोखाधड़ी और फेल ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए किया गया है। NPCI का ये मानना है कि फेल ट्रांजेक्शन की संख्या कम हो जाएगा, 30 मिनट में केवल एक ही ट्रांजेक्शन होगा। समझिएगा बात को, यहाँ पे आधार से जब आप निकासी करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से पैसे आपका कट जाता है ग्राहक का, और दो तीन बार भी कई बार कट जाता है, एक बार नहीं दो तीन बार कट जाता है, तो ऐसा आप समस्या नहीं होगा। NPCI का यह मानना है कि ऐसे करने से ग्राहकों को फेल ट्रांजेक्शन की समस्या जो आती है वो कम हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको, ट्रांजेक्शन जो फेल्ड होने का समस्या है वो कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है ग्राहकों का, दो तीन बार आप ट्राई कर देते हैं तो दो तीन बार भी पैसे कट जाते हैं, ऐसा भी कई बार हमने देखा है और कई बार होता है। तो NPCI का यह मानना है कि यह फेल ट्रांजेक्शन की समस्या जो है यह कम हो जाएगा ग्राहकों को, और बैंकों के पास कई सारे तरह का AEPS आधार विड्रॉल का फेल ट्रांजेक्शन का कंप्लेन चला जाता था, जो कि NPCI भी इससे परेशान रहता था। तो यहां पे ये मानना है कि फेल ट्रांजेक्शन की समस्या कम हो जाएगा, और एक धोखाधड़ी जो आधार से पैसे निकालने का कई बार ऐसे होते हैं कि 5000 के जगह में 5000 करके दो बार निकाल लिया, तीन बार निकाल लिया, तो ऐसी समस्या अब नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन अलाउ करेगा बैंक। तो ये NPCI ने एक नया नियम किया है जो सभी बैंकों के लिए लागू होता है, ये किसी एक बैंक के लिए नहीं है। आधार विड्रॉल करेंगे तो केवल 30 मिनट में एक ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। 27 जनवरी 2022 से ये नियम लागू है।